भटूरे के आटे में क्या डालें कि हर भटूरा फूला फूला बने, और फ्लेम कैसे रखनी है, छोले में मार्केट वाला टेस्ट और कलर कैसे लाएं, इसी तरह के और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बना रहे हैं परफेक्ट छोले भटूरे। मार्केट स्टाइल फूले फूले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम भटूरे का आटा लगाकर रख देंगे। आटा लगाने के लिए छन्नी में 2 कप मैदा डालिए और इसमें ही डाल दीजिए 1/2 कप मोटी वाली सूजी। इसमें हमें मोटी वाली सूजी यूज़ करनी है, महीन वाली सूजी नहीं यूज़ करनी है। 2 कप मैदा लिया है तो हमें 1/2 कप सूजी यूज़ करनी है। अगर आपने 4 कप मैदा लिया है तो आपको 1 कप लेना होगा सूजी। अब इसमें डाल दीजिए 1 टीस्पून या फिर स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप फ्रेश दही। भटूरे बनाते समय कभी भी फ्रेश दही यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं यूज़ करना है। 1 कप दही डालिए और इसे मिक्स कर लीजिए। इसमें घी या तेल का मोयन नहीं डालना है। अगर आप खट्टा दही यूज़ करेंगे भटूरे बहुत ज़्यादा खट्टे बनेंगे, क्योंकि हम इसे रेस्ट करने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए रखते हैं। पहले इसे दही से अच्छे से गूंथ लीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तभी पानी डालना है, क्योंकि मैदे और सूजी की क्वालिटी अलग अलग होने के कारण कभी कभी 1 कप दही में भी ये आटा गूंथ जाता है। मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच पानी और डाल रही हूँ और इसे अच्छे से सॉफ्ट गूंथ ले रही हूँ। आटे की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें मोटी वाली सूजी यूज़ की है। वो अभी जब सेट होगा तब और फूल जाएगी और आटा अपने आप थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी डालिए। आटे को मसल मसल कर चिकना कर लीजिए। कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसे आपको इसी तरह से गूंथते रहना है। जब आटा आपके हाथ में स्टिक होना बंद हो जाए तब तक इसे गूंथते रहिए। पर अगर आटा बहुत ज़्यादा स्टिक हो रहा है 2 से 3 छोटे चम्मच तेल लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया है। भटूरे के आटे में बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, और अगर आपको आसानी हो तो इस तरह से इसे फेंकते हुए मींस पटक पटक के आप गूंथ सकते हैं। इस तरह से गूंथने से आप 5 से 6 मिनट में इसे आसानी से गूंथ सकते हैं। आटे को 10 मिनट तक गूंथ लेने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल गीला गीला है। बिल्कुल ऐसा ही आटा हमें चाहिए। अब 1 छोटा चम्मच तेल लीजिए, ऊपर से लगा दीजिए। आटे में लग जाने के बाद इसे ढक कर हमें 5 से 6 घंटे के लिए रख देना है समर में। और अगर आप विंटर में बना रहे हैं ओवरनाइट के लिए, या फिर 7 से 8 घंटे के लिए ढककर रख सकते हैं। पहले इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रख दीजिए, प्लेट रख दीजिए, और अब इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही ढकना है। मैं यहाँ पे विंटर में बना रही हूँ, मैंने ओवरनाइट रखा है। ये देखिए आटा एकदम परफेक्ट ओवरनाइट के बाद सेट हो चुका है और फूल कर थोड़ा सा बढ़ गया है। अब 2 से 3 मिनट इसे और अच्छे से मैश कर लीजिए, मसल मसल कर चिकना कर लीजिए। आटा रेडी है भटूरे बनाने के लिए। हाथों में 1 छोटा चम्मच तेल लगाइए। अपने पसंद के साइज़ की लोइयां बनाकर रख लेना है। लोइयां बनाते समय ध्यान रखिए आपको लोई को थोड़ा सा चिकना बनाना है, कहीं से भी वो कटी हुई या क्रैक नहीं होनी चाहिए। एक प्लेट में ऑयल लगाइए, सभी लोइयां बनाकर रख लीजिए, और अब आप इसे कपड़े से ढक कर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद हम बनाएंगे भटूरे। 10 मिनट के बाद कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दीजिए। चकले और बेलन पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। एक एक लोई उठाते जाइए और बेलते जाइए। मैं यहाँ पर ओवल शेप के भटूरे बना रही हूँ, आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। भटूरे का साइज़ भी मैंने मार्केट जितना ही बड़ा रखा है। आपकी कढ़ाई अगर छोटी हो तो छोटे भटूरे भी बना सकते हैं।
भटूरे बेलते समय ध्यान रखें सभी साइड से बिल्कुल एक जैसा बेलना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं बेलना है। और थोड़ा सा बड़ा बेलिए, जैसे ही आप इसे उठाएंगे ये थोड़ा सा श्रिंक होता है और छोटा हो जाता है। जब ऑयल में से धुआं निकलने लगे तब इसमें भटूरे डाल दीजिए। और अब ले लीजिए झारा, हल्का हल्का प्रेस कीजिए और अब आप मैजिक देखेंगे, भटूरा एकदम से परफेक्ट फूल जाएगा। क्योंकि आटा एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ परफेक्ट गूंथा हुआ है, साथ ही हमने ऑयल भी एकदम परफेक्ट गर्म किया है। जैसे ही ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो तभी इसमें भटूरे डालने हैं। अगर आपने ठंडे ऑयल में भटूरे डाल दिए तो भटूरे अच्छे से फूलते नहीं हैं। एक भटूरा बन जाने के बाद फिर से आपको फ्लेम को हाई करना है और दूसरा भटूरा डालना है। जब आप भटूरा डाल रहे हैं तब फ्लेम हाई होनी चाहिए। जैसे ही भटूरा फूल जाए फ्लेम को मीडियम टू लो कर सकते हैं, जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए या फिर कुक ना हो जाए। इसी तरह सभी भटूरे बनाते जाइए, गर्मा गर्म सर्व कीजिए छोले के साथ। इस मेजरमेंट के साथ सभी टिप्स को ध्यान में रखते हुए जब आप भटूरे बनाएंगे, भटूरे एकदम फूले फूले मार्केट स्टाइल बनेंगे। साथ ही बना लेने के बाद थोड़ी देर तक ये वैसे के वैसे ही फूले रहेंगे जैसे मार्केट में रहते हैं, और ठंडे हो जाने के बाद भी खिंचे खिंचे नहीं लगेंगे, खाने में एकदम सॉफ्ट लगेंगे। आप देख सकते हैं हर भटूरा एकदम परफेक्ट फूल रहा है और परफेक्ट शेप आ रहा है। कलर आप इसका थोड़ा सा डार्क या फिर लाइट रख सकते हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो रहा है, भटूरा नहीं फूल रहा है, फ्लेम को हाई रहने दीजिए, भटूरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा गरम तेल उछालते जाइए, भटूरा फूल जाएगा। इस ट्रिक को हमेशा ध्यान में रखिए। इस तरह से बनाते जाइए और गर्मा गर्म भटूरों को सर्व कीजिए छोले के साथ। आज हम भटूरे के साथ बनाएंगे परफेक्ट टेस्ट वाले पिंडी छोले, वो भी बिना लहसुन बिना प्याज। सबसे पहले हम छोले उबाल लेंगे। छोले उबालने के लिए 2 मीडियम साइज़ के तेजपत्ते को ग्राइंडर में डालिए। इसमें 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची डाल दीजिए और दरदरा ग्राइंड कर लीजिए। इस दरदरे ग्राइंड किए हुए मसाले को एक कॉटन के कपड़े के ऊपर डालिए। इसी तरह का दरदरा ग्राइंड किया हुआ मसाला चाहिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून डाल दीजिए चाय पत्ती और कपड़े को बहुत अच्छे से टाइट करके बांध लीजिए। इसे हमें कुकर में डालना है, इसलिए अच्छे से बांधिए कि ये बॉईल होते समय ओपन ना हो, मीन्स खुले नहीं। 1 कप काबुली चने को हमें रात भर के लिए पानी में भिगाकर रख देना है। काबुली चने इस तरह के फूल जाने चाहिए। इस तरह के फूले हुए चने का पानी निकाल दीजिए, अच्छे से धो लीजिए और कुकर में डाल दीजिए। रेडी की हुई कॉटन की पोटली इसमें ही डाल दीजिए और 1 कप चने के लिए इसमें डाल देना है लगभग 1.5 से 2 कप पानी। कुकर बंद कीजिए, उबलने के लिए रख दीजिए। पहले 1 विसल हाई फ्लेम पर आने दीजिए, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दीजिए, 3 से 4 और विसल हो जाने दीजिए, उसके बाद कुकर ओपन करके देखिए। छोले एकदम परफेक्ट सॉफ्ट रेडी हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके कुकर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम तक बॉईल कर सकते हैं, पर कभी भी छोले बॉईल करते समय इसमें नमक नहीं डालना है। अगर आप नमक डालकर बॉईल करते हैं छोले अच्छे से सॉफ्ट नहीं होंगे। जब तक छोले उबल रहे हैं और कुकर ठंडा हो रहा है हम मसाला बना लेंगे। पिंडी छोले की यह रेसिपी इतनी आसान है कि आप इसे झटपट बना सकते हैं। अगर आपके पास में इस तरह का छोले मसाला घर में बना हुआ रखा है, आप 10 से 15 मिनट में छोले बना सकते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं छोले मसाला कैसे बनाते हैं। इस छोले मसाले को बनाकर आप 5 से 6 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा छोले मसाला बना रहे हैं। एक पैन या कढ़ाई को गैस पर रखकर लो फ्लेम कर दीजिए। इसमें डाल दीजिए 1/2 कप साबुत धनिया। 1 मिनट तक लो फ्लेम पर भून ले रहा है। अब इसमें डाल दीजिए 2 तेजपत्ता। तेजपत्ता को कभी भी तोड़कर डालिए, अच्छे से भुन जाएगा। और साथ ही डाल देना है 1/4 कप जीरा, 20 से 25 काली मिर्च,
20 से 25 लौंग या फिर 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लौंग, 8 से 10 बड़ी वाली काली इलायची, 8 से 10 हरी इलायची। अब इन्हें लो फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट तक भून लेना है या फिर अच्छी सी खुशबू ना आने लगे तब तक भून लेना है। और अब इसमें डाल देना है 1/4 टुकड़ा जायफल का, एक कर्ण फूल, थोड़ी सी जावित्री, जावित्री ज़्यादा ना डालें, और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, मीन्स एक बड़ी दालचीनी डाल देनी है। और फिर से इसे 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर भून देना है। लास्ट में फ्लेम बंद कीजिए। फ्लेम बंद करने के बाद 2 टेबलस्पून अजवाइन, 1/4 कप कसूरी मेथी, 1/4 कप अनारदाना ज़रूर डालिए। और साथ ही डाल देना है 3 टेबलस्पून सौंठ, 1 टीस्पून हींग। बंद फ्लेम पर ही इसे चलाते हुए भून लीजिए। पैन गरम है, अपने आप ये गरम हो जाएगा और थोड़ा सा भुन जाएगा। लास्ट में डाल दीजिए 1 टीस्पून नमक। मसाला भूनकर रेडी है, इसे दूसरे बर्तन में निकालकर ठंडा कर लीजिए। सेम पैन में सूखी 8 से 10 लाल मिर्च भून लीजिए, इसे भी निकाल लीजिए। और अगर आपके पास में पुदीने के पत्ते हैं, 30 से 40 पुदीने के पत्ते को भी लो फ्लेम पर भून लेना है जब तक कि ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। अगर आप किसी भी तरह के छोले बना रहे हैं, पुदीने के पत्ते ज़रूर डालिए, इससे टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। पुदीने के पत्ते भुनकर रेडी हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये ड्राई हो गए हैं और हाथ लगाते ही टूट जा रहे हैं। इन सभी को ठंडा हो जाने के बाद ग्राइंडर में डालिए और महीन ग्राइंड कर लीजिए। छोले मसाले को हमने अच्छे से भुना है, साथ ही इसमें हींग और नमक डाला है, इसलिए इस मसाले की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, लगभग 6 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। मसाला रेडी हो गया है, अब आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर कर आसानी से रख सकते हैं। जब भी छोले बनाना है फटाफट यूज़ कीजिए। अब तक छोले बॉईल हो चुके हैं और कुकर भी ठंडा हो गया है। ये देखिए कितने सॉफ्ट छोले रेडी हो गए हैं, बिल्कुल इसी तरह के हमें छोले चाहिए। कुकर में से मसाले और चाय वाली पोटली को निकाल दीजिए, इसका कलर और टेस्ट इसमें ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है, छोले को लोहे की कढ़ाई में बनाइए। इसमें 4 टेबलस्पून घी गरम कर लीजिए, घी के बदले आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही गरम हो जाए 1/4 टीस्पून हींग, 4 से 5 हरी मिर्च, 2 इंच लंबाई में कटे हुए अदरक, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डालिए और इन्हें लगभग 15 से 20 सेकंड तक भून लेना है। और इसमें डाल दीजिए उबले हुए छोले। मैंने इसमें लहसुन और प्याज नहीं डाला है, फिर भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। फ्लेम को हाई कीजिए, स्वाद अनुसार नमक डालिए और अगर आपके पास में आंवला पाउडर है 1/4 टीस्पून आंवला पाउडर डालिए। आंवला पाउडर डालने से छोले का कलर बिल्कुल मार्केट वाले छोले जैसा आता है। अब इसमें डाल देना है रेडी किया हुआ 1/4 कप छोले मसाला। अब इसे चलाते हुए हमें कुक कर लेना है। जितनी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए उतना थिक कर लीजिए और अगर आपको पानी डालना है तो इसमें 1 से 1.5 कप गर्म पानी डाल सकते हैं। याद रखें इसमें ठंडा पानी नहीं डालना है, नहीं तो छोले का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। गर्म पानी डाल लेने के बाद फ्लेम को लो कर देना है और थोड़े से छोले लीजिए, इसे मैश करके इसी छोले में वापस से डाल देना है। इससे इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और अब लो फ्लेम पर ही लगभग 30 से 40 मिनट तक कुक होते रहने दीजिए। बीच बीच में चम्मच से चलाते रहें, जब तक छोले थिक ना हो जाएं तब तक कुक कर लेना है या फिर जितनी ग्रेवी रखनी है तब तक कुक कर लीजिए। ये देखिए लोहे की कढ़ाई में बनाने के कारण कलर एकदम परफेक्ट आया है। मुझे उम्मीद है अब आप भी घर में ही मसाला बनाकर स्टोर करेंगे और जब भी पिंडी छोले बनाने का मन होगा फटाफट पिंडी छोले बनाएंगे। गर्मा गर्म भटूरे को सर्व कीजिए छोले के साथ। अब आपको मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं, घर में ही आप मजा ले सकते हैं फूले फूले भटूरे और परफेक्ट छोले का। आप इसे बनाएं और फिर मुझे बताइए ये कैसे बने हैं। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।